नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आप अपना जेरोक्स मशीन में बोथ साइड जेरोक्स कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो के शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में रखे गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं अपना ट्रे दिखा देता हूँ। पहले जो मैंने पेपर सेट किया हुआ है उसको मैं पहले दिखा देता हूँ। देख सकते हो मुझे पेपर जो इस तरह से रखा हुआ हूँ, और यहाँ पे मैंने A4 में रखा हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर A4 नहीं है तो आप घुमा के A4 आप यहाँ से करके रख सकते हो। फिर मैं ट्रे को बंद कर देता हूँ। अब मैं मशीन को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, देख पा रहे हो मेरा मशीन रेडी हो रहा है। ठीक है, मशीन रेडी हो चुका है। पहले यहाँ आपको बोथ साइड जेरोक्स करने के लिए आपको सेटअप रेडी करना है। तो सेटअप को कैसे रेडी करना है ये मैं आपको बताते हैं। पहले आपको ट्रे चूज़ करना है, आप कौन सी ट्रे से पेपर लेंगे। यहाँ से मैं A4R में जो पहला जो है एक नंबर में, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, फिर डन कर देता हूँ। ये मेरा पेपर चूज़ हो गया, कहाँ से मैं कौन ट्रे से मैं पेपर लूँगा। उसके बाद मैं टू साइड करूँगा बोथ साइड, इसके लिए टू साइड में क्लिक करना है। अगर एक ही पेज में बोथ साइड करना है तो पहले ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है। और अगर आप बहुत सारा पेज जेरोक्स कर रहे हो, दो तीन कॉपी, उसके लिए आपको यहाँ पे फिनिशर में एक चीज़ आपको सेटअप कर देना है। कलर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इसका जो पेज जो बाहर आएगा वो साझा होके रहेगा। ठीक है, आपको फिर से दोबारा सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस पर आपको क्लिक करके ओके कर देना है। अब यहाँ से आपको कलर कितना देना है, डार्क कितना करना है, लाइट कितना करना है, इसको आपको चूज़ करना है। मैं इस तरह लाइट रखना हूँ। उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज में आपको करना है। अगर पेपर आपका A4 से बड़ा कोई पेज है जेरोक्स करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे परसेंटेज घटा देना है। अगर कोई छोटा पेज है आप 100 में भी रख सकते हो, और बड़ा अगर करना चाहो तो 100 से ज़्यादा कर सकते हो। मेरा जो A4 ही पेज है लेकिन मैं 99 में करूँगा परसेंटेज में। ओके, डन कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेटअप रेडी हो गया। उसके बाद अब पेज को रखने की कैसे रखना है ये मैं बताऊंगा। इस पेज को इस कॉर्नर में आपको रख देना है। यहाँ पे साइन दिख रहे हो, तीर का साइन, इस कॉर्नर में इस तरह से यहाँ पे A4 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे भी A4 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको रख के ढक्कन बंद कर देना है। उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, एक बार स्कैन होगा, बहुत साइड करना है इसलिए दो बार स्कैन करना पड़ेगा। कुछ नहीं, ढक्कन खोलने के बाद इसको उल्टा करके रख देना है। इस तरह उल्टा करके आपको रख देना है। ठीक है, फिर आपको ढक्कन बंद कर देना है और फिर से आपको स्कैन करना है। स्कैनिंग हो गया। आप चाहे तो बहुत सारा जितना कॉपी कर सकते हो यहाँ से आप दे सकते हो, 2, 3, 4 जितनी चाहे दे सकते हो। मैं एक ही कॉपी करूँगा इसलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डन बटन पे आपको क्लिक कर दूँगा तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग हो रहा है, देख पा रहे हो। यहाँ से पेपर निकल के आ गया मेरा पेपर, ये आप देख सकते हो। ये पहला का था और ये जेरोक्स है। ठीक है, बोथ साइड में ओके आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मशीन में जेरोक्स कर सकते हो। तो कैसे लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।